आज भी नाचोगे वहाँ? आज छुट्टी है, अब कल। कल निकाह पर भी नाचोगे? फजर से प्रॉमिस किया है। शर्म करो। अरे शर्म किस बात की? क्या बन के दिखा रहे हो? बताना चाह रहे हो कि तुम्हें कोई दुख नहीं है? कम ऑन यार, बड़ा दुख है। लेकिन दुख है तो क्या हुआ, वो दोनों तो खुश है ना। एक दोस्त है, बड़ा भाई है, दूसरी कजन है, एक्स मंगेतर है। अब खुश भी ना हूं। एक डॉक्टर दोस्त है मेरा, कहता है कभी कोई ऐसा दुख मिल जाए जिसको झेलना पड़े तो दौड़ लगा, भागो, एक्सरसाइज करो। और कल टीवी पे कोई कह रहा था कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है नाचना। देख रही हो कितना इंटेलिजेंट हो गया हूं मैं। देख रही। ये बताओ कल पहनोगे क्या, पुराना सूट? जी नहीं, नई शेरवानी खरीद के लाया हूं, पहनकर दूल्हा के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लोग पूछेंगे दूल्हा कौन है। सबको पता है कि दूल्हा कौन है। सुना है मुलाकात हुई है, बताओ क्या मुलाकात हुई है? ऐसे ही गपशप, आखिर में लड़ाई। फिर लड़ाई? वो चार साल पुराना थप्पड़ भूलती नहीं है दादो। भूल जाएगी कैसे? शादी के बाद लगा देना एक थप्पड़, पुराना भूल जाएगी। वाह दस्तूर अहमद, तुम जब भी बात करते हो मुझे अपनी कोताहियां याद आ जाती हैं। कोताही क्या हुई? बचपन में ही डॉक्टर को दिखा देती तो दस्तूर की ये हालत ना होती। तुम बस सुना करो बेटा, बोला ना करो। जी। तुम बताओ लाडले, ढंग से बात तो कर रही थी ना? कर तो रही थी। शादी की रात को एक तोहफा देना उसको। क्या दादू? गाल आगे लाना और कहना थप्पड़ मार लो मेरे मुंह पर।
ओ, गाड़ी तो चल पड़ी ना। अरे हाँ, वो तुम्हारी सहेली कहाँ है? सहेली मतलब दोस्त, वो तुम्हारी जिया, वो तो लगता है तुम्हारे निकाह का सुनकर पत्थर की हो गई है, अब आती जाती भी नहीं है। अगवा करने की कोशिश भी नहीं करती। सच बता, दाल में कुछ काला है ना? जी नहीं, उससे बात हुई है मेरी, वो रात को माहिन की तरफ आ रही है और कल तक वहीं रहेगी। और आप अपनी तजुर्बेकार नजरों को जरा संभाल के रखें, ज्यादा दूर देखने से नजर वीक हो जाएगी। इमरान, कल मैं आखिरी बार अपनी डायरी लिखूंगी और आखिर में लिखूंगी मेरे वकार। फिर हाशिया खींच दूंगी, उसके बाद तुम लिखा करना। अपनी किस्मत के सारे लफ्ज तुम्हारे हाथों में रख दिए हैं मैंने, तुम लफ्ज सुनते रहना, कहानी बुनते रहना। मैं लिखती थी आज क्या हुआ है, तुम लिखना कल क्या होगा। छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? कुछ भी, ऐसी बस दिल कर रहा था तुमसे गले लग के रो लूं। सच बताओ क्यों रोई हो? सच किसी को बताओगी तो? नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। मैं डायरी लिख रही थी तो सोच रही थी, मैं उससे इतना लड़ती रही हूं, इतनी नफरत करती रही हूं। क्यों करती रही हूं? उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था यार। तो क्या हुआ जो एक थप्पड़ मार लिया था? मैंने तो बेचारे की बाट लगा दी। हाय हाय, अब प्यार आ रहा है उस पे? मुझे तो अब पता चला है जिया, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो मर जाती हूँ उसके बगैर। मैं कमरे में घुसा तो वो माथे पे सोने की बिंदिया लगाए बैठी थी। हाय मेरी बिंदिया। चुप रही ना अम्मी जान। हाँ? अच्छा बोल। मुझे देखती उछल के बोली, शर्म करो, लड़की के कमरे में बगैर इजाजत अंदर नहीं आते। अरे मैंने कहा ये लड़की का कमरा नहीं है, मेरी दादो का कमरा है। ये बात तो ठीक है, आगे बोल। मैं आगे बढ़ा
तुम आगे बढ़ गए। दादो बात तो सुनिए पूरी, ये तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? लुकिंग लाइक अ विलन। मैंने कहा हीरो को विलन बोल रही है, तेरा क्या होगा माही? उसने कहा होगा तेरा क्या होगा बेशर्म। हाँ उसने बिल्कुल यही कहा था। आगे बोल। आगे बस वो भागने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़। बाबा बस बस कहानी यही खत्म। क्या हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ा नहीं तुमने? हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ दादा, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। तेरे सदके सदके तुम्हारे। अब जाओ। अरे जा मेरे लाल, मजा आ गया। थैंक यू। मैं जाऊं तो क्या हम दोनों के बीच बैठोगी? उम्र देखिए अपनी, वेरी फनी। हेलो वकार अहमद बोल रहे हो? कॉस वकार को फोन करोगी तो वकार ही बोलेगा ना। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दूं? प्लीज। बड़े वाहियात आदमी हो तुम, ऐसे छिछोरे कि तुम जैसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो सोचा ही था तुम इतना गिर जाओगे, छोटी हरकतें करोगे। महबूबा से मुलाकात की कहानी सबको सुनाओगे, ये भी बता दिया कि हाथ पकड़ा था। अल्लाह मेरी तौबा, इस तरह की बातें बैठ के दादू चचा और चच्ची को सुनाते हो? या अल्लाह मैं तुम जैसे आदमी से शादी कर रही हूँ? सुनो तो सही माहीन, जो तुमने सुनाना था मैं सुन चुकी हूँ। माहीन दैट वाज जस्ट अ जोक, दादू जिद कर रही थी तो मैं मान गया। कल को जिया जिद करेगी तो उसको भी सुना देना, फिर किसी दोस्त को, मोहल्लेदार को। तुम्हारा क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग घूम गया मेरा वकार अहमद, मुझे तो खुद से शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? ये भी ठीक है, तुम जैसे लोगों को शर्म नाम की चीज का पता ही नहीं होता। देखो माहिंग ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ सुन के सब खुश हो गए थे तो मुझे लगा कि मैंने ठीक किया, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। क्या मुश्किल हो रहा है? बहुत। क्या मुश्किल हो रहा? मैं समझ नहीं पा रही, मुझे लग रहा है जैसे मैंने कोई गलत फैसला कर लिया। स्टॉप इट माहीन, मैं सॉरी बोल रहा हूं ना यार। मत बोलो, आई डोंट लाइक स्टोरीज। झूठ क्यों बोल रही हो? उस दिन तुमने कहा कि तुम चाहती हो कि जब तक तुम जियो मुझे सॉरी बोलते रहो। ये भी बता दिया? अरे नहीं माहीन, सब बातें नहीं बताई तो बता दो, जहां 10 वहां 15, किसी ने रोका है क्या? तुम्हारी कसम मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बहुत खुश था तो मुझे बताना भी अच्छा लग रहा था। लग रहा था तुम मेरे पास बैठी हो और मैं तुम्हें ही बता रहा हूं कि मैं तुमसे मिलकर आया। क्यों क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू वेरी मच।
बोल दिया? क्या बोल दिया? सब सो रहे हैं क्या? ये क्यों पूछ रही? अरे तो सबको बताओ ना, जाकर बता दो कि मैंने माहीन को आई लव यू कहा है। नहीं, अब कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? अब तुम कुछ नहीं हो? अब तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि आई लव यू माहीन? कमीने, सब कुछ कहा तुमने और ये बात सबसे आखिर में कही। आई थिंक मैं तुमसे डरता हूँ बहुत। डरना भी चाहिए, मैं किसी वक्त भी अपना मूड बदल सकती हूँ। और प्रॉमिस करो हमेशा मुझसे डरते रहोगे। प्रॉमिस। डर के कह रहे हो ना? हाँ। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, यही तो लगता है मुझे, वरना मैं किसी से डरता वरता नहीं। तुम्हें पता है? तुम्हारी बातें कोई और भी सुन रहा है। आई नो जिया बैठी है तुम्हारे पास। सुनो, मुझसे कभी मत डरना, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, शाम को हम यहां से निकलेंगे तो लड़का वहां से यहां आ जाएगा, यहीं से तैयार होकर वो वहां पहुंच जाएगा। मतलब कोई बारात वगैरह की फीलिंग तो आनी चाहिए ना? अरे नहीं जिया, शादी होगी तो आएगी बारात, फिर देखना। चलो तुम जल्दी से आ जाओ। क्या कह रही थी जिया? जिया कह रही है कि दूल्हा यहाँ से तैयार होके जाएगा और दुल्हन नानू के घर। गुड आइडिया। ये क्या हुआ कि दुल्हन को एक कमरे से बुला लो, दूल्हा को दूसरे कमरे से, और कह दो कि मौलवी साहब के दाएं और बाएं बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी। हाँ अच्छा तो लगेगा, लेकिन अम्मी बेगम माने तब ना। मैं बात करूंगी उनसे। अरे रुको तो सही, नाश्ता तो करके जाओ। देख रही हो उसकी पुर्तियां, जब गुलरेज से मंगनी थी तो बेवा बनी फिरती थी। सबसे पहले मुझे पता चला था कि ये वकार भाई से मोहब्बत करती है। तुम्हें कैसे पता चला? समझो अम्मी साहिबा, कोई अपने इतने हैंडसम कजन से नफरत कर सकता है? ये सबको दिखा रही थी कि देखो मैं इससे कितनी नफरत करती हूँ, और सबको बता भी रही थी कि है कोई इतना अकलमंद जो समझ सके कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ बोलो। लड़का दूल्हा बनकर हमारे घर से निकलेगा। और लड़की? लड़की अपने नानों के घर पे होगी। मतलब बारात लेकर आएगा वो? और नहीं तो क्या, निकाह पर भी बारात ही आएगी। ख्याल तो अच्छा है, औरतें तो खुश हो जाएंगी, है ना? मेरे तो दिल को लगा है बीबी, फोन रखो, मैं मुंशी आलम से कहूँ मेरी गाड़ी सजा कर लाए। नहीं नहीं, आपकी गाड़ी नहीं, गुलरेज की। वो फॉक्सी? जी वो फॉक्सी। लो अभी उसके इम्तिहान बाकी हैं क्या? ये कोई इम्तिहान नहीं है नानो, मरहूम की आखिरी ख्वाहिश है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब रखते फोन, तुम्हारे लहंगे पर बहस चल रही है,
मैं भी हिस्सा ले रही हूँ उसमें। लव यू नाना। कान इधर ला। ले आई। लव यू टू। गुलरेज की फॉक्स से उस पर आऊंगा मैं। लो। वो कह रही है मियां। और वो क्यों कह रही है? क्योंकि वो कह रहा है, आखिरी ख्वाहिश है उसकी। वो मतलब गुलरेज? इन दिनों में आखिरी ख्वाहिश किसकी हो सकती है? वही है बदनसीब। ओके गुलरेज साहब, आपकी फॉक्सी बजाएगी बरात। आप खुश? माशाल्लाह। एसी ऐसा चालू करवा कर लाया हूँ कि कपकपी लगने लगती है। अल्लाह। गुलरेज भाई, मुझे भी इसमें सैर करवाए ना प्लीज। जाएंगे ना सैर करने, एक दफा दुल्हन को घर छोड़ दे तो जाएंगे सैर करने। चलें, चलो आओ। ये देखो बालियां। ये उसने तब बनाई थी जब पहली तनख्वाह मिली थी उसे। और ये चूड़ियां जब उसका प्रमोशन हुआ था। और ये पैनेंट देखो, उसने तब खरीदा था जब मंगनी को 10 साल पूरे हुए थे। और ये देखो बिंदिया, तुम्हें पता है वाली, जब वो छोटी होती थी तो नानो का ज्वेलरी बॉक्स लेकर उसमें से उनकी बिंदिया निकालकर माथे पे सजाकर सबको दिखाती थी। गुलरेज जब मूड में होता है तो कहता है बिंदिया जचती है इसके माथे पर। क्या करोगे इनका? करना क्या, आज यही तो पहनाऊंगी उसे। जब लड़की दे रहे हैं तो दुल्हन बनाकर देंगे। ये लो। वो भी तो मेरा भाई है। अरे आ, वो जो आज लहंगा पहन रही है ना,
वो भी तो मैं ही लाई। मैंने कहा पूरी दुल्हन हमारी तरफ से। यार यूं समझो कि ये निकाह कम और साजिश ज्यादा। तुम्हें पता है निकाह के फौरन बाद क्या होगा उसके साथ? क्या? वो गैंग की चीफ नहीं रहेगी, क्योंकि वो मैरिड लड़की गैंग की चीफ हो ही नहीं सकती। यस, देखा हो गई ना बात। और अब हमारे गैंग का नया चीफ होगा गुलरेस। ये क्या हो रहा है भाई? चलो बेटा अपना सामान उठाओ, गुलरेस की फॉक्सी में रखो और पूछ कर जो 6 बज रहे हैं। 6 बज गए? अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? सिर्फ मैं जाऊंगा। अच्छा दादो मैं अपने दोस्तों को फोन करके वहीं बुला लेता हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद दिखाई देना। लो मौलवी साहब अभी से पहुंच गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। चलो चलो जल्दी करो जिया, वो वहां से निकल आया है। अरे जल्दी किस बात की है? एक मुलाकात हो जाए निकाह से पहले। अरे जाओ, निकाह से पहले शक्ल नहीं दिखाऊंगी उसको। नो वे, चलो जल्दी करो। हेरो यार तैयार तो होने दो, देखना चाहती हूँ तुम्हारे होते हुए किसी और को देखता है वो या नहीं। चल रही हो ना? कसम से चल रही हूँ। पता कैसे देखेगा? कैसे? जैसे कोई लूजर्स को देखता। चलो आ जाओ। आ रही हूँ। यहाँ बैठो। हाल क्या है? सच्ची बोलो। तेरी कसम खुश हो, दो प्यार करने वालों को मिलते हुए देख रहा हूं, खुशी के मारे यकीन नहीं आ रहा। माफ कर देना उसको। पागल हो क्या? माफी किस बात की? कहा ना बहुत खुश हो रहा हूं। और जो इतनी मोहब्बत की थी उसका क्या हुआ? वो खुश होने देगी आपको? एक बात बताऊं तुम्हें, मोहब्बत में डिमांड नहीं करते, कमांड करते। प्यार किया, एहसान किया, एहसान दिया नहीं मैंने। चल मेरी डांडी, तू भी खुश हो जा। गुलरेज भाई, माहीन ने मैसेज किया है मुझे और कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करूं, वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाए तो आप उसका हाथ पकड़ कर मौलवी के पास बिठा, और बिठाते ही कान में कह दो जाओ माहीन माफ किया तुमको, ये आरजू है उसकी। वरना लिखा है कि भरे मजमे में माफी मांग लेगी आपसे। इश्क से इश्क की रूदाद ना पूछे।
यार कुछ बात ही कर दो या फिर म्यूजिक लगा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है जिया, मुझे लग रहा है मैं दुल्हन बनूंगी, वो मेरे सामने आएगा और मैं उसे देखते ही मर जाऊंगी। दिमाग तो ठीक है, कोई अपने दूल्हा को देखकर मरता है क्या? दूल्हा को नहीं, गुलरीज को। अच्छा तो फिर ठीक है, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता मैं गुलरीज से कहूंगी जरा दूर। अरे नहीं यार, वो तो मैंने उसे कहा है जब दुल्हन बनू तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर लेकर आए। ये लो, बैल से कहा आ बैल मुझे मार। हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया तो उसे देखते ही मर जाऊं। अरे यार क्या हुआ? तुम्हारी जल्दी उन्हें मरवा दिया, अपना बैग नहीं छोड़ आई हूं मैं। लो वापस मोड़ू? नहीं नहीं नहीं, मुझे ड्रॉप करके चली जाना, पता है कहाँ रखा है? पता तो है। मान गया यार तेरी फॉक्सी को। देखने में फॉक्सी लगती है लेकिन है प्रॉपर गाड़ी। वेरी फाइन। जब मेरी फॉक्सी भागने पर आए ना तो अच्छी अच्छी गाड़ियों को चकमा दे जाती है। अच्छा, और जब रुकने पे आए तो क्या रुक जाती है? एक मजे की बात बताऊं आपको, जब से आप दोनों की शादी के मामले शुरू हुए हैं आपकी कसम सरपट भाग रही है, रुकने का नाम नहीं लेती। वाह, आप चाय पियेंगे साहब जी? कॉस कुछ खाने के लिए हो तो वो भी ले। ठीक है। अरे बैठ जाओ यार। सुरैया खाना ने कहा था 8 बजे डिपार्चर है हमारा, यानी 8 बजे निकलना है हमें। भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने तो दो। ओके ओके, हालांकि आपको भूख लगनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपकी मर्जी। मेरी तरफ देखो गुलरीज, माफ कर देना यार मुझे। कम ऑन वकार भाई, इस तरह मुझे शर्मिंदा करते रहोगे तो मुझे लगेगा कि मैं झूठ मूठ का खुश हूं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। तुम लोगों को यहां तैयार होने के लिए भेजा था और तुम लोग यहां बैठ के गप्पे मार रहे हो। तुम क्यों आई हो? तुम लोगों को सुपरवाइज करने आई हूं, वैसे मेरा बैग भी रह गया था यहां। घबरा तो नहीं रहे हो? अरे चलो, डर तो लग रहा होगा। क्यों भाई, कल जो दुश्मन थी आज मेरी बीवी बनने जा रही है। देख लेना प्यारे, कहीं कोई गहरी चाल ना हो। श्योर। हाय गुलरीज। हाय। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अरे नहीं, आप तो बहुत अच्छी लगती। तो शादी कर लो ना मुझसे। लो, एक तुम हो कि इतने बेशरम, और एक ये जो शर्म आ रही है। अच्छा भाई,
तैयारी के लिए तुम माहीन के कमरे में जाओगे और तुम फजर के कमरे में। ठीक है सही है। ओके। मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना। हाँ बस करें। Yeah, I know. You hardly know. I could be very serious. मैं बैग लेके आती हूँ।